गांधी जी ने अपने विचार लगभग हर विषय में दिए हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण विषय हमारे जानकारी के लिए आवश्यक थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कुछ और विचार जो उन्होंने और भी कई विषयों में दिए हैं वो हम स्टेटमेंट के रूप में गांधी जी के उन विचारों को यहाँ पर समझेंगे। और परीक्षाओं में ज्यादातर ये स्टेटमेंट एथिक्स के पेपर में आ जाते हैं सीधे उठ करके, निबंध के पेपर में उठ करके आ जाते हैं, और इवन PSIR का जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें भी सीधे स्टेटमेंट उठ के आ जाते हैं गांधी जी के। तो हमें उन स्टेटमेंट्स को समझना है कि वो किस कंटेक्स्ट में दिए गए थे और उसका क्या एप्रोप्रिएट मीनिंग है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं, इन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गांधी जी का स्टेटमेंट यहाँ पर जो पहला हम लोगों ने लिखा है, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गोल्डलीनेस, ठीक है, यानी स्वच्छता का स्थान ईश्वर पूजा के बाद दूसरे नंबर पर है। यानी ईश्वर की पूजा के बाद यदि दूसरा कोई महत्वपूर्ण स्थान रखता है गांधी जी की दृष्टि में तो वह है स्वच्छता, सफाई। तो गांधी जी की स्टेटमेंट को हमें समझना है कि गांधी जी ये जो स्वच्छता अभियान वर्तमान में चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि, और उसमें आप लोगों ने देखा होगा उसके लोगों में गांधी जी का चश्मा बना हुआ होता है, तो वो गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर के, क्योंकि गांधी जी हर मानव को यही प्रेरणा देते थे कि कम से कम साफ सफाई से रहना हम सबके, गरीबी से रहे अमीरी से रहे। तो अमीर गरीब तो चलिए मान लीजिए कि कुछ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम स्वच्छता के साथ रहे ये हम सबके बस में है। और हम स्वच्छता के साथ यदि जीवन जिएंगे, अगर हमारे आसपास का वातावरण, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज साफ है, सुरक्षित है, तो ऐसे साफ सुरक्षित माहौल में व्यक्ति की मन और आत्मा भी पवित्र होती है। उसके अंदर कुत्सित विचार, उसके अंदर हिंसा के भाव ये सब नहीं आते। इसलिए दलित उद्धार के समय, हरिजनों के उद्धार के समय भी गांधी जी ने इस बात को काफी महत्व दिया था कि जो दलित है, अछूत है, उनके अछूत होने का एक बहुत बड़ा कारण है उनकी गंदगी, तो उनको उस गंदगी से निजात पाना चाहिए। वो अपने आप अछूत की कैटेगरी से धीरे धीरे निकल करके समाज में एक सभ्य जीवन जीने लगेंगे। तो गांधी जी के इस छोटे से स्टेटमेंट का एक बहुत बड़ा मतलब है, जिसका मतलब हमारे निजी जीवन में, हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे देश में जो स्वच्छता है वो होनी चाहिए, हमारे विचारों में स्वच्छता होनी चाहिए, हमारी राजनीति में, हमारे धर्म में, हमारे अध्यात्म में, हमारी अर्थशास्त्र में। इसका मतलब है जीवन के हर चरण में स्वच्छता, साफ सफाई, हाइजीन एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है गांधी जी की नजर में। तो इसका एक व्यापक एक्सप्लेनेशन है, केवल घर को झाड़ पोछ लेना या गंदगी दूर कर देना ही गांधी जी की दृष्टि में सफाई नहीं है। ये साफ सफाई व्यक्ति को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का एक सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण साधन है। अगर हमारा आसपास का माहौल, हमारा घर गंदा है तो हमारा शरीर गंदा होगा, शरीर गंदा होगा तो मन गंदा होगा, मन गंदा होगा तो विचार गंदे होंगे, विचार गंदे होंगे तो फिर हम फिर समाज में एक प्रकार की हिंसा, एक प्रकार की पॉल्यूशन फैलाने के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो ये एक मोरल कॉन्सेप्ट में और फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में हमें इस स्टेटमेंट को समझना है। फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लव यू, एंड देन दे फाइट यू, देन यू विन। गांधी जी कहते हैं कि जो गांधीयन प्रिंसिपल है, सत्याग्रह का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत, सर्वोदय का सिद्धांत, स्वदेशी का सिद्धांत, और जितने सिद्धांत हमने गांधी जी के पढ़े, यदि इस प्रकार के सिद्धांत आप अपने जीवन में अपनाते हैं, सत्यवादी बन जाते हैं, अहिंसात्मक बन जाते हैं, ऐसी स्थिति में गांधी जी कहते हैं कि संसार पहले दे विल इग्नोर यू, पहले आपको वे लोग जो आपकी इन प्रॉपर्टीज और इन गुणों को नहीं समझते पहले आपको इग्नोर करेंगे, इसके बाद आप पर हंसेंगे, जब इग्नोर करने के बाद भी देखेंगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप अपने उन्हीं नियमों और सिद्धांतों पर चल रहे हैं, तब वे आपके ऊपर हंसेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको इन्फीरियर कहेंगे, आपको अनसिविलाइज्ड कहेंगे, आपको पिछड़ा हुआ कहेंगे, आपकी संस्कृति को गाली देंगे, ये तमाम व्यवस्था आपके साथ बनेगी, आपके ऊपर हंसेंगे। एंड दे फाइट यू, जब इसके बाद भी आप पीछे नहीं हटेंगे तो वे आपके साथ झगड़ा करेंगे, आपको उकसाएंगे, आपके अंदर के शैतान को जगाएंगे, आपकी हिंसा को जगाएंगे, और जब आप इसके बावजूद भी अपने सिद्धांतों पर डटे रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा आप जीत जाएंगे। गांधी जी की पूरी फिलॉसफी इस एक लाइन में रखी हुई है। गांधी जी ने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के सामने इसी सिद्धांत से लड़ाई ली। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जिसके पास बंदूक थे, तोप थे, उसकी सभ्यता थी, उसके पास अर्थव्यवस्था थी, वो उन हथियारों से लड़ रहे थे। गांधी जी सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह
ऐसे सिद्धांतों से लड़ रहे थे। एक तरफ ब्रिटेन वाले भारत को पिछड़ी हुई सभ्यता, बेकार की सभ्यता, हमारे साहित्यों को, हमारी संस्कृति को गाली देते। जब गांधी जी ने इन सिद्धांतों के साथ लड़ाई लड़नी शुरू की तो गांधी जी के साथ वही हुआ। पहले गांधी जी को लोगों ने इग्नोर किया, लोगों ने मतलब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने इग्नोर किया, उसको अधर्म फकीर और न जाने क्या क्या कहा गया। विंसेंट चर्चिल ने कहा था कि संसार के सबसे मूर्खतापूर्ण कार्यों में से एक है असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना। ऐसे कई टिप्पणियां गांधी जी पर की गई है और उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है, क्योंकि गांधी जी के पास जो अस्त्र थे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इन अस्त्रों के सामने जो ब्रिटेन के बड़े बड़े तोप, गोली, बंदूक सब बेकार थे। ये सब उनके लिए उपयोग में लाया जाए जो आपके साथ लड़े, जब आप किसी के साथ लड़ ही नहीं रहे हो और ऐसे लड़ाई का अस्त्र प्रयोग कर रहे हो कि वो केवल सामने वाले को निशस्त्र कर सकता है, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए गांधी जी का कहना है कि पहले भी मेरे साथ यही हुआ, पहले मुझे इग्नोर किया गया, फिर मेरे ऊपर हंसे, फिर मुझसे लड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं लड़ा, मैं अहिंसा का पुजारी बना रहा और एक दिन मेरी विजय हुई। तो यही सिद्धांत मनुष्य को जीवन में अपनाना है कि जब आप गांधी सिद्धांतों के साथ या जो सच्चे सिद्धांत है जीवन में उनके साथ जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक बात है लोग आपको इग्नोर करेंगे, आप पे हंसेंगे, आप पे लड़ाई करेंगे, आप पे झगड़ा करेंगे, और अगर आप इन सब में बने रहे, अडिग रहे, तो एक दिन आपकी जीत निश्चय है। ठीक है, तो ये हम सबके प्रैक्टिकल जीवन में इंप्लीमेंट होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आप लोगों से मिलना जुलना, फोन करना बंद कर दिए, एक अजीब टाइप के व्यक्तित्व तो बन गए हैं, आपको केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है, तो लोग, स्वाभाविक बात है, लोग जब आप चार लोग कभी मिलेंगे तो आपके ऊपर ऐसी ऐसी टिप्पणियां की जाएंगी, ये बड़ा पढ़ंता हो गया, ये अंग्रेज की औलाद हो गया, ये आईएएस बन गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, ये तमाम बातें आपको डिस्टेबलाइज करने के लिए किया जाएगा। लेकिन आप स्माइलिंग फेस के साथ उनको इग्नोर कर दो, ठीक है, तो फिर वो देखिए फिर आपके ऊपर हंसना शुरू करेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू करेंगे, और अगर आप कॉन्स्टेंट रहे तो एक दिन आप आईएएस बन जाएंगे, और जो लोग आपके वातावरण को खराब कर रहे हैं, आपको डिस्टर्बाइज करने की कोशिश कर रहे थे, वो जहां थे वहीं रह जाएंगे। ठीक है, नो वन कैन हर्ट मी विदाउट माई परमिशन, गांधी जी का एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है। गांधी जी ने स्वराज का सिद्धांत दिया जिसमें स्वराज का मतलब है एथिकल फ्रीडम। तो गांधी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति एथिकल फ्रीडम हो चुका है, जो अपने अंदर की बुराइयों पर विजय प्राप्त कर चुका है, ऐसे व्यक्ति का कोई अपमान कर ही नहीं सकता। जब तक वो व्यक्ति खुद ना चाहे कि मेरा अपमान हो, ठीक है, तो अपमान होने का मतलब ही है कि हमने अपने अंदर की जो छल, कपट, लोभ, माया, मोह है, हमारी जो इंफीरियरिटी हमारे अंदर है, हमने अभी उस पर विजय प्राप्त नहीं किया है। तो गांधी जी के स्वराज से लिया गया एक कॉन्सेप्ट है जिसमें गांधी जी कहते हैं कि मेरी इजाजत के बिना कोई मेरे अपमान कर ही नहीं सकता, कोई मुझे चोट पहुंचा ही नहीं सकता, कारण मैंने अपने अंदर की सारी कमजोरियों को, सारी बुराइयों को जीत लिया है, ठीक है, और मैं इन छोटे मोटे अपमानों से बहुत ऊपर उठ चुका हूं और मेरा कोई अपमान कर ही नहीं सकता, जब भी कोई करेगा मैं मुस्कुरा दूंगा, और यही मेरी विजय है और उसकी हार है। तो हमें जीवन में शिक्षा मिलती है कि आज जो हम लोग छोटे छोटे चीजों से अपना हर्ट हो जाते हैं, इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना है, और उनसे ऊपर उठ करके हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, ये गांधी जी की इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है। गांधी इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी जिसमें गांधी जी के इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि मोरल इकोनॉमिक्स होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का उद्देश्य कल्याणकारी होना चाहिए, लाभ कमाना नहीं होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स का अल्टीमेट उद्देश्य है गरीबों की सेवा करना, गरीबों तक रिसोर्सों को पहुंचाना, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि अगर हमें एक अहिंसात्मक समाज बनाना है, हमें लोगों के अंदर की हिंसा को मिटानी है, तो उसके लिए गरीबी को सबसे पहले मिटाना जरूरी है, क्योंकि गरीबी हिंसा का सबसे बड़ा रूप होती है। और आप देखिए जितने हिंसा आज हो रहे हैं समाज में, उसके पीछे गरीबी, बेरोजगारी और गरीबी के कारण ही जो दूसरी समस्याएं पैदा होती है वो समस्या केंद्र में है। तो यदि हिंसा को मारना है उसके लिए गरीबी को मारना होगा, और गरीबी को मारना है तो अर्थव्यवस्था जो है देश की उसको गरीब कल्याण के लिए काम करना होगा। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का उद्देश्य गरीबी को कम करना, शासन में सरकार का उद्देश्य गरीबी को कम करना, समाज में लोगों का उद्देश्य गरीबी को कम करना, ये सब भावनाएं जब तक नहीं आएंगी तब तक हिंसा अपने आप पर बनी रहेगी। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, गांधी जी कहते हैं कि हर चीज की शुरुआत अपने आप से होती है। संसार में आप जो परिवर्तन देखना चाहते हो उसकी शुरुआत खुद से कीजिए, ठीक है। गांधी जी ने कहा भी है
कि गांधी जी का जो जीवन है वो अपने आप में एक्सपेरिमेंट है और हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो जब आप खुद गलती करके अनुभव करके चीजों को नहीं सीखेंगे तो कोरा एक्सपेक्टेशन समाज से करना, संसार से करना कि समाज में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लेकिन आप खुद भ्रष्टाचार करते रहेंगे। तो भ्रष्टाचार क्या है, इसको कैसे खत्म किया जाता है, जब आप खुद इसका एक्सपेरिमेंट खुद पर नहीं करेंगे तब तक उस समस्या का हल नहीं निकल पाएगा। तो कोरे कोरे आदर्श बना लेना, किताबी आदर्श बना लेना, उस पर नहीं चलना, गांधी जी का कहना है, ऐसा सही नहीं हो सकता। तो पहले हमें खुद उस परिवर्तन का प्रतीक बनना पड़ेगा समाज में, जो हम इस संसार से या दूसरों से हम आशा करते हैं। हम चाहते हैं दूसरा हमारे प्रति हिंसा ना करे, तो पहले हमें खुद एक अहिंसक सिद्धांत को मानते हुए उस पर प्रैक्टिकली चल करके दिखाना होगा। तो समाज से, संसार से केवल अच्छी अच्छी एक्सपेक्टेशन कर लेना, गांधी जी कहते हैं ठीक नहीं है, उसकी शुरुआत आपसे होती है, पहले आप, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। ठीक है, एक वेदों में कहा गया है, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। कुछ लोग कहते हैं जग सुधरेगा तो हम सुधरेंगे, ये गलत भावना है, क्योंकि संसार हम जैसे छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना है, हम सुधर जाएंगे संसार अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि संसार हमें लोगों का समेशन है। टू गिव प्लेजर टू अ सिंगल हार्ट वाई अ सिंगल एक्ट इज बेटर देन अ थाउजेंड हैंड्स गोइंग इन प्रेयर। गांधी कहते किसी एक व्यक्ति की चापलूसी करके उसको खुश कर देने से बेहतर है हजारों सिर प्रार्थना के लिए झुक जाए। यहां गांधी जी ने प्रार्थना का महत्व बताया है कि जब हजारों सिर प्रार्थना के लिए झुकते हैं तो उन हजारों का तो भला होता है और उन हजारों ने के भला होने के कारण अल्टीमेटली संसार का भी भला हो जाता है। यू मे नेवर नो व्हाट रिजल्ट्स कम ऑफ योर एक्शन बट इफ यू डू नथिंग देयर विल बी नो रिजल्ट्स। गांधी जी का बड़ा अच्छा सिद्धांत है कि हम जीवन में जो कुछ कर रहे हैं हमें क्या मालूम उसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि गीता के उद्देश्य को गीता गांधी जी मानते हैं कि कर्म करो फल की आशा मत करो। तो कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है, एक्शन पर हमारा नियंत्रण है, उसके आउटकम पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो यदि हम कर्म करते हैं उसका क्या फल होगा हमें नहीं मालूम। अब चूंकि हमें कर्म का फल क्या होगा ये नहीं मालूम, तो हम कर्म करना बंद नहीं करते, क्योंकि अगर कुछ नहीं करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हम कर्म कर रहे हैं और हमें नहीं मालूम कि क्या रिजल्ट होगा, लेकिन यह तो तय है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम हम कलेक्टर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, कि हम किसी और सेक्टर में चले जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। कुछ नहीं आएगा, आपका ज्ञान वर्धन होगा, आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे, आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, आपका ज्ञान वर्धन हुआ है, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा। लेकिन अगर यह मान करके कि चूंकि रिजल्ट पे हमारा नियंत्रण नहीं है, हम कर्म ही करना बंद कर देंगे, तो इफ यू डू नथिंग, जब आप कुछ नहीं करेंगे, देयर विल बी नो रिजल्ट, तो कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ करने से ही कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट नहीं आता जो हम डिजायर करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आता है। ठीक है, इफ सॉरी आई कैन नॉट कंसीव ऑफ अ ग्रेटर लॉस देन द लॉस ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। गांधी कहते संसार में सबसे बड़ी क्षति यदि कुछ है तो आत्मसम्मान की क्षति है। ठीक है, तो आत्मसम्मान को बचाकर रखें। आत्मसम्मान गांधी जी की दृष्टि में क्या है, झूठे अभिमान आत्मसम्मान नहीं है। आत्मसम्मान का मतलब होता है आत्मा, और आत्मा का सम्मान किससे है, एक व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो आत्मा का सम्मान गिर जाता है, एक व्यक्ति जब हिंसा करता है तो आत्मा का सम्मान गिर जाता है, एक व्यक्ति दूसरे के साथ वैसा व्यवहार करता है जैसा वह खुद पसंद नहीं करता तो आत्मा का सम्मान गिर जाता है। आत्मसम्मान का मतलब शरीर का सम्मान नहीं, एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, आत्मा का सम्मान, और आत्मा का सम्मान सत्य से है, सत्य से है, अहिंसा से है, सत्याग्रह से है, गांधी के मोरल प्रिंसिपल में आत्मसम्मान छुपा हुआ है। तो यहां आत्मसम्मान का मतलब यह नहीं समझना कि हम कहीं गए और हमको पानी नहीं पूछा गया और हमारा आत्मसम्मान हर्ट हो गया। ठीक है, वो आपके एक व्यक्ति के रूप में आपका अपमान हुआ है। ठीक है, आपकी आत्मा का अपमान नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, humanity is like an ocean, if a few drops of the ocean are dirty the ocean does not become dirty। gandhi ji kehte hain ki sansar mein kitna bhi chhal prapanch jhoot moh maya kapat phaila hua ho hame manavta se apna vishwas nahi khona hai, kyunki manavta ek mahasagar hai, ek samudra hai, aur yadi mahasagar ya samudra ki kuch boonde gandi ho jaye to iska matlab ye nahi hai ki pura samudra ganda।
तो मानवता पर अपना विश्वास बनाए रखना है, कहीं ना कहीं मानवता जीवित है, इसीलिए यह संसार चल रहा है, अमानवीय व्यवहारों से यह संसार नहीं चल रहा है। ठीक है, यह अलग बात है कि हमारे डेली लाइफ में हमें ज्यादातर लोग वो मिलते हैं जो अमानवीय है। ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम मानवता से अपना विश्वास खो दें। मानवता कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रही है और जब तक संसार है करती रहेगी, इसलिए गांधी जी कहते हैं मानवता पर अपना विश्वास कभी कमजोर मत होने देना। मानवता माने मानवीय गुण, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये तमाम जो गुण है ये मानवीय गुण है। ठीक है, आई ऑब्जेक्ट टू वायलेंस बिकॉज वैनिटी पियर्स टू डू गुड, द गुड इज ओनली टेम्परेरी, द एविल इट डस इज परमानेंट। गांधी जी कहते हैं मैं हिंसा का विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि हिंसा के कारण जो परिणाम आता है हो सकता है वो टेम्परेरी सही हो, लेकिन भविष्य में और जो परमानेंट उसका रिजल्ट है वो बुराई के रूप में ही सामने आता है। हमने किसी को मार दिया, गुस्सा आया, या वो हमारे ऊपर हमला कर रहा था और हमने उसको मार दिया, हो सकता है इसका टेम्परेरी इलाज मिल जाए कि चलो वो 2-4-10 दिन हमारे लिए समस्या क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है वो 2-4-10 दिन में अल्टीमेटली अंदर अंदर प्लानिंग करके और एक दिन हमें रस्ते में पाए और कंबल ढाक के हमको इतना मार दे कि फिर हम परमानेंट हॉस्पिटलाइज हो जाए और परमानेंट हमारे हाथ में टूट जाए। ठीक है, तो हिंसा टेम्परेरी सॉल्यूशन तो देती है लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देती, परमानेंटली उससे बुराई पैदा हो जाती है। ठीक है, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट द ग्रीड। ये गांधी जी की इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मनुष्य के अंदर जो लालच है उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए अर्थव्यवस्था का उद्देश्य हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होना चाहिए, मास प्रोडक्शन, अपने प्रॉफिट को कंटिन्यूसली मैक्सिमाइज करना, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए इकोनॉमिक्स करना गांधी जी के सिद्धांत के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि हम अपनी नीड को तो फुलफिल कर सकते हैं, ग्रीड को फुलफिल नहीं कर सकते। हम तो हम, इस गांधी जी ने कहा कि पृथ्वी यानी प्रकृति, प्रकृति भी चाहे कि हमारी ग्रीड को फुलफिल कर दे तो नहीं कर सकती। कहते हैं किसी को कुबेर का खजाना भी मिल जाए तो भी उसके अंदर की जो असंतुष्टि है वो समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो आप नीड पर ध्यान दें, ग्रीड पर नहीं। ग्लोरी लाइज इन द अटेम्प्ट टू रीच वंस गोल एंड नॉट इन रीचिंग इट। गांधी जी कहते हैं कि प्रयास करने में महानता है, जरूरी नहीं है कि हर प्रयास करने पर आप उस लक्ष्य तक पहुंचे, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गया के लिए किया गया प्रयास महत्वपूर्ण है, लक्ष्य तक पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचना यह विधि के विधान में है, हमारे कर्म के साथ साथ कहीं ना कहीं ईश्वर का भी विधान है कि हमको कौन सा लक्ष्य मिलना चाहिए कौन सा नहीं, लेकिन हर कर्म जो हम करेंगे उससे हमको शिक्षा तो मिलेगी ही, ज्ञान तो मिलेगा ही, इसलिए गांधी जी का कहना है कि कर्म करते रहो, कर्म करने में ही व्यक्ति की महानता है, कर्म के फल को प्राप्त करने में नहीं, बिकॉज वी आर नॉट द मास्टर ऑफ द आउटकम, वी आर मास्टर ऑफ अवर ओन एक्शन। परमानेंट गुड कैन नेवर बी द आउटकम ऑफ अनट्रुथ एंड वायलेंस। गांधी जी कहते हैं कि जो परम सत्य है, जो परमानेंट गुड है, जो सर्वोत्तम भलाई है, सर्वोत्तम अच्छाई है, वो कभी भी असत्य और हिंसा से नहीं आ सकती। असत्य और हिंसा से आप जो भी प्राप्त करेंगे वो टेम्परेरी गुड हो सकता है, परमानेंट गुड नहीं हो सकता। फ्रीडम इज नॉट वर्थ हैविंग इफ इट डज नॉट इंक्लूड द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स। गांधी जी का पूरा जीवन एक प्रयोग रहा है और गांधी जी ने कहा है कि हम प्रयोगों के द्वारा ही सीखते हैं, अपनी गलतियों के द्वारा ही सीखते हैं, इसलिए गांधी जी कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता वही है जो हमें गलती करने की छूट देती हो, गलती करने पर हमें दंडित करता हो, गलती करने पर हमारे कर्म करने की प्रक्रिया पर रोक लगा देता हो, ऐसी स्वतंत्रता मनुष्य को मिस्टेक करने से रोकती है, एक्सपेरिमेंट करने से रोकती है, और जो व्यक्ति खुद मिस्टेक और एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा उसको जो ज्ञान प्राप्त होगा उसका वो प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा, वो बुकिस नॉलेज होगा। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ द अदर्स। गांधी जी कहते हैं अपने आप को पाने का, अपने आप को जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम दूसरे की सेवा में अपने आप को लगा दें, तो हम अपने आप जान जाएंगे कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। ठीक है, इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि अपने सपनों को रियलाइज करने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने सपने दूसरे की आंखों में रख दो,
ठीक है, कुछ उसी प्रकार का विचार है कि अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को पाना है, तो दूसरे की सेवा में अपने आप को लगा दो, आप जान जाओगे कि आप कौन हो। द बेस्ट वे सॉरी द वीक कैन नेवर फॉरगिव, कमजोर आदमी कभी क्षमा नहीं कर सकता, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, क्षमा हमेशा बहादुर लोगों का गुण होता है, कमजोर लोगों का गुण क्षमा करना नहीं होता। कमजोर लोग तो क्रोध में आ जाते हैं, हिंसा में आ जाते हैं, दंड देने लग जाते हैं, बदला लेने की भावना से आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, चंडाल बन जाते हैं, शैतान बन जाते हैं। गांधी जी कहते हैं जो ताकतवर है अंदर से ताकतवर, ठीक है, जिम किया हुआ ताकतवर नहीं, ठीक है, तो जो शक्तिशाली है, ताकतवर है, उसी का गुण है क्षमा करना। इसी रामधारी सिंह दिनकर ने भी अपनी कविता में लिखा है, क्षमा सो होते उन भुजंग को जिसके पास गरल है, ठीक है, तो यानी गरल माने शक्ति, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास ताकत है, जो प्रबल है, उसी से हम क्षमा की आशा रख सकते हैं, और उसी के द्वारा किया गया क्षमा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। एक रिक्शा वाला जा रहा है और एक मर्सिडीज बेंज में का व्यक्ति आ रहा है, दोनों गाड़ी की टक्कर हो गई, ठीक है, और रिक्शा वाला हाथ उठा के मर्सिडीज बेंज वाले को बोले जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, क्या ये क्षमा शोभनीय है? गांधी जी कहते हैं ये शोभनीय ही नहीं, क्षमा शक्तिशाली का गुण है। तो यहां बेंज वाला उसको बोलेगा कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारा हैंडल टेढ़ा हो गया, ये 100 रुपया रखो हैंडल बनवा लेना, तब उस क्षमा का बात है। यानी क्षमा हमेशा, क्षमा एक आभूषण है शक्तिशाली का, हिंसा क्रोध आभूषण है कायरों का, ठीक, तो हमेशा जीवन में क्षमा करना हमें सीखना है, क्षमा मजबूती और शक्तिशाली का प्रतीक है। एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स, जीवन में हम जो हजारों लाखों शब्द बोलते रहते हैं, इसका सिद्धांत उसका सिद्धांत, और बस भाषण करवा लो हमसे तो हम भाषण देने के लिए शुरू हो जाते हैं, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि हजारों लाखों शब्द से अच्छा है थोड़ी सी अपने जीवन में उन विचारों को अपना लेना, ठीक है। तो एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस, आउंस पाउंड का छोटा रूप होता है आउंस, नापने के लिए, ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस हजार शब्दों के बराबर होती है। तो जीवन में बड़े बड़े सिद्धांतों के बखान करने से अच्छा है एक छोटा सा सिद्धांत हम अपने जीवन में खुद उतारें। लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर। गांधी जी कहते हैं कि जीवन इस प्रकार से जीना है हमें जैसे हम कल ही मरने वाले हैं, लेकिन जीवन में सीखना इस प्रकार से है जैसे हम जीवन भर जिंदा रहने वाले हैं। तो सीखिए इस बात को ध्यान में रखकर के कि हम कल मर जाएंगे, तो सीखने की अंदर की प्रवृत्ति भी मर जाएगी। आप ये मान के चलो आप हजारों लाखों साल जीने वाले व्यक्ति हैं और आप ये जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं इसका कहीं क्षरण नहीं होने वाला है, ये ज्ञान सदैव आपके साथ रहेगा। इस भावना के साथ सीखिए तो आपको सीखने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन जीना कैसे है, हर रोज हमें ऐसे जीना है जैसे मैं कल मरने वाला हूं, ठीक। इसका मतलब यह है कि आज अगर हमें पता चले कि हम कल मरने वाले हैं तो आज का जीवन में बड़ी शांति के साथ जीऊंगा, अहिंसा के साथ जीऊंगा, सत्य के साथ जीऊंगा, उन लोगों को जिनका मैंने दिल दुखाया उनसे मैं माफी मांगूंगा। और अगर हम रोज ऐसा जीवन जीने लगे तो हमारे अंदर से जो लोभ अहंकार क्रोध हिंसा ये तमाम घृणा बुराइयां ये तमाम जो चीजें हैं ये अपने आप खत्म हो जाएंगी और हम अपने आप निर्मल और शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, इसलिए वेद शास्त्रों में भी कहा गया है मौत को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मौत एक परम सत्य है, उसको आनी है। लेकिन क्यों ना हम ये मान के चले कि मैं तो कल ही मरने वाला हूं, तो आज क्या होगा, मैं कोई काम कल पर नहीं डालूंगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, ठीक है, मैं पंचुअलिटी के साथ जीवन जीऊंगा, मैं सत्य निष्ठा के साथ जीवन जीऊंगा, ये तमाम अच्छी चीजें। और रोज अगर हम ऐसा करने लग जाए तो वो हमारे जीवन का एट्रीब्यूट हो जाएगा और जीवन में जो भी गलत भावनाएं हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हम जीते इस प्रकार से हैं कि जैसे हम सालों साल जिएंगे, और सीखते इस प्रकार से हैं जैसे हम कल ही मरने वाले हैं, ठीक है। तो जहां ज्ञान की बातें हुई, जहां शिक्षा मिल रही है, जहां कुछ ज्ञान मिल रहा है, हमें पढ़ना चाहिए तो हम नहीं पढ़ते, पहले शादी कर लें, बर्थडे मना लें, पार्टी कर लें, पिकनिक कर लें, पहले थोड़ा मौज मस्ती कर लें, पहले रामू जी वाटर पार्क चले जाएं, ये तमाम सिद्धांत हम जीवन में अपनाते हैं और इसके कारण हमारे अंदर धन संग्रह की भावनाएं आती है, पसेशन की भावनाएं आती है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसकी भावनाएं आती है। लेकिन अगर हमें मालूम है कि कल हमें मर जाना है, कुछ मेरा नहीं है, धन संग्रह की भावना नहीं आएगी, ठीक है, ये तमाम अच्छे गुण आ जाएंगे अगर हम इस छोटे से सिद्धांत को जीवन में अपनाते हैं। अ मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट,
गांधी जी कहते हैं व्यक्ति अपने विचारों का ही रिफ्लेक्शन, एक व्यक्ति जो अपने अंदर विचारता है वो वैसा अपने आप बन जाता है। तो ये बड़ी अच्छी प्रेरणा गांधी जी यहां से मिलती है, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। और मनुष्य अपने विचारों का समुच्चय, तो चूंकि हम अपने आप में विचारों का एक सेट है तो क्यों ना हम अपने अंदर सुंदर विचार बनाए। हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे व्यक्ति बने, तो उसके लिए पहले हमें अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा, हमें विचार अच्छे रखने पड़ेंगे। ठीक है, हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मोनी। गांधी जी कहते हैं सच्चा सुख इस बात में है कि आप जो सोचते हैं, आप जो कहते हैं और आप जो करते हैं वो तीनों एक हो। हमारे जीवन में क्या होता है, हम सोचते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है, तीनों में कोई हार्मोनी नहीं है और यही दुख का कारण है। यही से चोरी, झूठी, चुगली, चापलूसी सब यही से आता है, क्योंकि हम सोच तो कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। ठीक है, अंदर हमारे कुछ और विचार है, बाहर हम मलाई लगा रहे हैं। ठीक है, या अंदर हम किसी और भाव से बात कर रहे हैं, बाहर शब्द कुछ और भाव निकल रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य के दुख का यही कारण है कि वो सोचता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है, जब इन तीनों में एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, आप वही करते हैं जो आप कहते हैं, आप वही कहते हैं जो आप सोचते हैं, तो संसार में सुख ही सुख आ जाएगा। एन आई फॉर आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। गांधी जी यहां पर हिंसा को गलत ठहराते हुए ये कहते हैं कि अगर आंख के बदले आंख की भावना हम जीवन में रखेंगे तो एक दिन पूरी संसार अंधी हो जाएगी, फिर ये संसार हिंसा की भेंट चढ़ जाएगी और संसार में जीने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। तो हिंसा के लिए हिंसा, आग के लिए आग, पानी के लिए पानी, ये सिद्धांत ठीक नहीं है। आग के लिए पानी होता है, पानी के लिए आग होता है, हिंसा के लिए प्रेम होता है, ये तमाम सिद्धांत हमें जीवन में अपनाने पड़ेंगे। नॉट द सो कॉल्ड होली रिवर्स एंड टाउन्स बट द प्लेसेस वेयर द पुअर्स एंड अनटचेबल्स लिव्ड वर ट्रूली होली एंड लिविंग अमंग देम इन द स्पिरिट ऑफ अ पिलग्रिम वाज अ ट्रू पिलग्रिमेज। गांधी जी सभी धर्म के लोगों को एक शिक्षा देते हुए कहते हैं कि जो हम मंदिर को, मस्जिद को, नदियों को और भी जो संत इत्यादि के जो जगह होते हैं, हम उनको अपना तीर्थ या तीर्थ मान लेते हैं, पवित्र स्थान मान लेते हैं, और हम उनको पवित्र स्थान मान के वहां पर जाते हैं साल में, दो साल में, कुछ लोग हर महीने तीर्थ करने जाते हैं, नदी नहाने जाते हैं, डुबकी लगाने जाते हैं। गांधी जी कहते हैं मेरे लिए न तो मंदिर मस्जिद, न नदियां, न संतों के पवित्र स्थान, मेरे लिए न तो वो पवित्र है और ना ही मेरे लिए वो तीर्थ स्थान है, बल्कि वे स्थान जहां पर गरीब लोग, अछूत लोग, दयनीय लोग, वंचित लोग रहते हैं, दरिद्र लोग रहते हैं, वही मेरे लिए पवित्र स्थान है, और उनके साथ रहना और उनकी सेवा करना ही मेरे लिए तीर्थ है। ठीक है, तो यहां पर गांधी जी सभी धर्म के लोगों को एक प्रकार से ये शिक्षा देते हैं कि जो डिप्राइव्ड है, वंचित है, कमजोर है, उनकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। उस ईश्वर को चाहे आप किसी भी रूप में माने, हर ईश्वर का यही कहना है कि आप मनुष्य की सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो, मेरी सेवा अपने आप हो जाएगी। ठीक है, इफ द रूट्स आर स्वीट द फ्रूट्स आर बाउंड टू बी स्वीट। यहां गांधी जी का एंड एंड मींस का सिद्धांत है, जिसमें गांधी जी कहते हैं कि अगर जड़ें मीठी हैं तो उसका जो फल आएगा वो अपने आप मीठा होगा, यानी अगर साधन पवित्र है तो साधन अपने आप साधन पवित्र है तो साध्य अपने आप पवित्र होंगे। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज टू इम्प्रूव अवर कैरेक्टर, नो रिवॉल्यूशन इज पॉसिबल टिल वी बिल्ड अवर कैरेक्टर। गांधी जी यहां मनुष्य के चरित्र पर बल देते हुए कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने चरित्र पर ध्यान देना पड़ेगा, अगर हमारा चरित्र सही है तो ठीक है, नहीं है तो हमें अपने चरित्र को बेहतर से बेहतर बनाना है। मानवीय चरित्र जो होना चाहिए वो मानव के चरित्र हमारे अंदर होने चाहिए। संसार में कोई भी क्रांति मानव के अच्छे चरित्र के बिना नहीं आ सकती। समाज में, इतिहास में आप उठा करके देख लीजिए, जिन भी बड़े लोगों ने क्रांतियां की है वो खुद चरित्र के बड़े धनी व्यक्ति थे, बड़े रिच पीपल थे बाई कैरेक्टर। ठीक है, ट्रू हैप्पीनेस इज इम्पॉसिबल विदाउट ट्रू हेल्थ एंड ट्रू हेल्थ इज इम्पॉसिबल विदाउट रिजल्ट कंट्रोल ओवर टैलेंट। ठीक है, गांधी जी कहते हैं कि सच्चा सुख काहे में है, निरोगी काया। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि सच्चा सुख निरोगी काया।
अगर हमारी काया माने हमारा शरीर ही निरोगी नहीं है तो किसी भी सुख का कोई महत्व नहीं। तो गांधी जी वही कहते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस माने सच्चा सुख असंभव है जब तक हमारे पास सच्ची स्वास्थ्य नहीं है। अगर हमारे पास ट्रू हेल्थ नहीं है, और ट्रू हेल्थ कैसे आता है, ट्रू हेल्थ इज इम्पॉसिबल विदाउट रीजन कंट्रोल ओवर पैलेट। पैलेट माने मुंह, पैलेट माने तालू, ठीक है। तो यहां पर माउथ का है कि जब तक हम अपने मुंह पर यानी श्वास पर यानी इंद्रियों पर जब तक हम नियंत्रण नहीं करेंगे सच्चा स्वास्थ्य हमें प्राप्त नहीं होगा। तो सीमित खाएं, शाकाहार खाएं, सीमित सोएं, सीमित देखें, सीमित सुने, हर चीज जो इंद्रिय है उनका सीमित कंट्रोल होना चाहिए, तब सच्चा स्वास्थ्य आएगा। और जब सच्चा स्वास्थ्य आएगा तो सच्चा सुख आएगा। Someday we must extend the national law to the universe even as we have extended the family law to form nation a large family। गांधी जी यहां पर अंतरराष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का ये स्टेटमेंट है, जिसमें गांधी जी कहते हैं कि सबसे पहले हमारा एक परिवार होता है और उस परिवार में हम एक फैमिली वैल्यूज के साथ रहते हैं, और वो फैमिली वैल्यूज क्या है, सत्य है, अहिंसा है, टॉलरेशन है, एक दूसरे की भावना को समझना है, एक दूसरे की जरूरत को पूरी करनी है, एक दूसरे के दुख को दूर करना है, एक दूसरे के सुख में वृद्धि करनी है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन रखना है। ये तमाम जो फीलिंग्स है एक फैमिली फीलिंग्स है, ये फैमिली वैल्यूज है। गांधी जी कहते हैं जब ये फैमिली वैल्यूज एक राष्ट्र के लेवल पे आ जाता है तब एक राष्ट्र महान बन जाता है, और जब एक राष्ट्र के यही सिद्धांत पूरी दुनिया में फैल जाते हैं तो वो अंतरराष्ट्रवाद बन जाता है, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि पहले हमने अपने परिवार को परिवार माना और अपने परिवार के वैल्यूज को पूरे देश में इंप्लीमेंट किया तो हमारा पूरा देश परिवार बन गया। अगर हम इसी सिद्धांत को पूरी दुनिया में लागू कर दें तो हमारा यही जो पूरी दुनिया है वो हमारे लिए एक फैमिली हो जाएगी, और वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है, हमारा फैमिली है, यानी सब हमारे भाई बहन है, सब हमारे नाते रिश्ते हैं, सब हमारे अपने हैं। ये भावना जिस दिन आ जाएगी तो संसार में जो विभिन्न प्रकार के अनाचार है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, और तमाम प्रकार की हिंसा जनित समस्याएं हैं हमारे देश में, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो वी नीड टू एक्सटेंड अवर फैमिली वैल्यूज फ्रॉम फैमिली टू अवर सोसाइटी, फ्रॉम सोसाइटी टू अवर नेशन, फ्रॉम अवर नेशन टू इंटरनेशन, ठीक है। ये सिद्धांत हमें रैपिडली एक्सटेंड करते जाना है, लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है कि अब फैमिली में ही फैमिली वैल्यूज जो है वो समाप्त हो रही है, ये बड़ी चिंता का विषय है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खादी पर, खादी गांधी जी के लिए आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, ठीक है। खादी भारत का अपना, खादी बनाना, खादी के लिए धागे बनाना, चरखा चलाना, ये गांधी के सेल्फ रिलायंस का प्रतीक था, ठीक है। गांधी जी कहते हैं खादी इज द सन ऑफ द विलेज सोलर सिस्टम। जिस प्रकार सोलर सिस्टम में सूर्य का महत्व है, सारे ग्रह, उपग्रह, शुक्र ग्रह सब क्या कर रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन है, सूर्य। उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र खादी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और अगर खादी को हमने अपना लिया तो हमें सेल्फ रिलायंस मिलना असंभव नहीं, ठीक है। द ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमैनिटी इज नॉट इन बीइंग ह्यूमन। मानवता, मानव होने की महानता केवल मानव होने में नहीं है बल्कि मानवीय चरित्रों के होने में, ठीक है। कई हम लोगों ने ऐसे किस्से कहानी पढ़े जिसमें जानवरों के अंदर भी हम मानवीय गुण देखते हैं, जैसे जटायु, कई भी फिल्मों में देखा होगा, कुत्ता, हाथी, जिनके अंदर सिंपथी है, जो स्वामी भक्त दिखाते हैं। तो इंपॉर्टेंट यहां पर मानव का शरीर प्राप्त करना नहीं है बल्कि मानवीय गुण को अपने अंदर लाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल मानवीयता पूरे बकवास के साथ मानवीयता के गुणों का बखान कर देना महत्वपूर्ण नहीं होगा, ठीक है। Your beliefs become your thoughts। गांधी जी कहते हैं आप जो मानते हैं, आप जो जानते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो समझते हैं, वही आपके विचार बनते हैं, और जो आपके विचार हैं वही आपके शब्द बनते हैं, और जो आपके शब्द हैं वही आपके कर्म बनते हैं, जो आपके कर्म हैं वही आपके हैबिट बनते हैं, और जो आपके हैबिट हैं वही आपके वैल्यूज बनते हैं, और जो आपके वैल्यूज हैं वही आपकी डेस्टिनी बनाती है। तो हाउ दीस things are interrelated with each other, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे
दिल दिमाग में कोई एक विचार आता है, एक बिलीफ आता है, एक विश्वास, सबसे पहले कि मैं आज बनूंगा या नहीं बनूंगा, सबसे पहले एक विचार आएगा। जब वो विचार आएगा तो उसी हिसाब से आपके शब्द होंगे, और जैसे आपके शब्द होंगे वैसे आप कर्म करेंगे, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपकी आदत बनेगी, और जैसी आपकी आदत बनेगी वैसे आपकी वैल्यूज, वैल्यूज माने जीवन में हम किन चीजों को मानते हैं किनको नहीं मानते, और फिर जैसी आपकी वैल्यूज होगी वैसी आपकी डेस्टिनी होगी। तो इनमें से हर एक चीज को महत्व देना है, समझना है कि हर इनमें से हर एक पहला चीज अगली चीज को जन्म देता है, इसलिए हर पहली चीज के प्रति बहुत सावधानी से हमें काम करना है। इफ आई हैड नो सेंस ऑफ ह्यूमर आई वुड लॉन्ग एगो कमिटेड सुसाइड। गांधी जी यहां पर सेंस ऑफ ह्यूमर को बड़ा महत्व देते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर माने हास्य का भाव होना हमारे अंदर। हास्य के भाव होने का मतलब होता है जीवन में बड़े से बड़े दुख और तकलीफ को हंसी में मजाक में उड़ा देना, उस इवेंट को हंसी मजाक में लेना नहीं, उसको इग्नोर कर देना, उसमें छुपे हुए मैसेज को समझना, अपने आप को टूटने से बचाना, इसको कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर का यह मतलब नहीं कि हसड़ो बन गए, दतने पोर बन गए, 24 घंटे नाच निकाले घूम रहे हैं, बोले गांधी जी ने कहा है सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। ठीक है, तो सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब यह है कि लाइफ हमें जो भी दे रही है, सुख दे रही है, दुख दे रही है, हिंसा दे रही है, अहिंसा दे रही है, भूख दे रही है, प्यास दे रही है, गुलामी दे रही है, आजादी दे रही है, इन सबको समझने का और इन सबको समझ करके उसके हिसाब से बिना अपने आप को कमजोर महसूस किए हुए उसका सामना करने का जो मादा होता है उसको बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। न टूटने की, स्ट्रांग बने रहने की, हर विपरीत परिस्थितियों को समझ करके उससे लड़ने का जो स्पिरिट होता है उसको कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर कपिल शर्मा के शो से नहीं आता, वो एक इनबिल्ट अंदर का एक कैरेक्टर है, इंटरनल कैरेक्टर है। ठीक है, जो हमें अपने स्कूल से, अपने फैमिली से, अपने समाज से मिलता है, और हमारा समाज जब हमें इस हद तक मजबूत बनाता है तब हमारे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर आता है और हम जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को हंस करके उस कठिनाई से उबर जाते हैं। ठीक है, ये गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीजें हम देखेंगे गांधी जी के बारे में, तब तक ये सारे स्टेटमेंट को समझिए, डायरेक्टली ये स्टेटमेंट उठ करके परीक्षाओं में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी ने दिया है, किस कंटेक्स्ट में दिया है, गांधी जी इन विचारों के माध्यम से समाज को वास्तव में क्या कहना चाहते हैं, उसका हमें केवल कंटेंट नहीं उसका इंटेंट समझना है कि गांधी जी ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, ये उनके किस सिद्धांत से मेल खाता है, उनका कोई स्टेटमेंट उनके सत्याग्रह सिद्धांत से मेल खाता है, उनकी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत से मेल खाता है, उनके ब्रह्मचर्य के सिद्धांत से किस सिद्धांत से मेल खाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद।